हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग मेहंदी देख के समझ गए होंगे कि मैं किस फंक्शन की बात कर रही हूँ। मैंने प्रीवियस ब्लॉग में जिस फंक्शन की बात की थी, ये उसी फंक्शन का ब्लॉग है। तो यहाँ हम तीनों रेडी हो चुके हैं दी के घर से बलिया जाने के लिए। अनुपमा बलिया रहती है, वहाँ पर उसकी एंगेजमेंट है, तो वहाँ के लिए हम तीनों निकल चुके हैं। युगू काफ़ी शांत हो गया है। वैसे ये शांत रहता नहीं है, इसको गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जिस वजह से ये शांत था, और बाद में ये सो गया था। तो इसके सोते सोते ही हम पहुंच गए थे, जिस वजह से अच्छा था कि इसको प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना ये जगह रहता है तो इसको वॉमिटिंग हो जाती है। तो हम निकल चुके हैं अनुपमा के इंगेजमेंट के लिए। वैसे तो मेरे मोस्टली सारे फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है, लास्ट अनुपमा ही बची थी, जिनकी भी इंगेजमेंट अब होने जा रही है, और नवम्बर में इनकी शादी। लास्ट विकेट बचा था वो भी गिर गया। बहुत टाइम बाद मैं सारे फ्रेंड्स से मिलूंगी, अनुपमा के इंगेजमेंट में और भी फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो उन सब से भी मुझे मिलना है, जिसकी वजह से मैं इस फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो उन सब से भी मिलेंगे, चलिए आपको उन सब से भी मिलाते हैं। तो मैं यहाँ से सीधे जाऊँगी पार्लर अनुपमा के पास। अनुपमा वहाँ रेडी हो रही है, तो यहाँ अनु ब्राइडल रूम में रेडी हो रही थी, तो वहाँ मेरा अलाउ नहीं था जाना, तो इस वजह से मैं अनु का रेडी होते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तब तक मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी मैं भी, क्योंकि लेट हो रहा था। अगर मैं यहाँ से जाके रेडी होती तो बहुत टाइम लग जाता, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ही बाहर रेडी होने लगी। तो यहाँ पे मैं अपने बालों को स्ट्रेट करवा रही हूँ, मुझे कुछ हेयर स्टाइल समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर को स्ट्रेट ही कर लेते हैं, सिंपल सा रख दिया। तो यहाँ पर हो गई है अनु रेडी, ये है हमारी ब्राइड। आप लोग प्लीज़ बताना कि ब्राइड कैसी लग रही है। वाकई ये बहुत प्यारी लग रही थी, पूरी डॉल जैसी लग रही थी ये। एंगेजमेंट हॉल में आ चुके हैं। ये रहे मेरे फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स तो नहीं आ पाए, बट जितने आए उनसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। रीना, ताशु, उत्कर्ष, अमित, ये सब थे, तो इन सब से मिलकर वाकई हम बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं साथ में स्पेंड कर पाए, बट जितना भी टाइम हमने स्पेंड किया वो वाकई बहुत अच्छा था। बहुत मज़ा किया हमने, बहुत मस्ती करी। की प्लानिंग तो बहुत थी कि हम लोग साथ में मिलके ये करेंगे वो करेंगे, बट होता है ना कि जैसा आप प्लान करो उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सबके पास टाइम बहुत कम था। बट जितना भी टाइम था बढ़िया था, अच्छा गया, मस्ती किया हमने, क्योंकि फंक्शन के बाद हम सबको निकलना था, इस वजह से हमारे पास टाइम कम था। तो ये रहा हमारा न्यू लेक कपल। आप लोग प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना कि कपल कैसा लगा आप लोग को, बहुत ही प्यारा कपल था, और इस नए जोड़े को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, दुआएँ दीजिए, इनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। फोटोज़ क्लिक कराए। कहते हैं ना, फ्रेंड्स फंक्शन की जान होते हैं, अगर फ्रेंड्स ना हो तो महफिल में जान नहीं होती। तो वही चीज़ है, इस तरीके के फंक्शंस में तो फ्रेंड्स का होना इम्पॉर्टेंट होता ही है। तो आगे फ्रेंड्स से कब मिलते हैं, देखते हैं कि कब मौका मिलता है उनसे मिलने का। लास्ट में हम सब बैठ के पुरानी बातों को याद कर रहे थे, पुरानी मेमोरीज को, हॉस्टल टाइम्स की, जो कि वाकई बहुत अच्छा था। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, इस न्यू कपल को ब्लेसिंग्स देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।